हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म हैविंग द साइड ऑफ बेस 40 mm एंड हाइट 60 mm। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन हमें ड्रॉ करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करना है। स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, देखो स्क्वायर प्रिज्म कुछ ऐसा शेप रहेगा जिसके ऊपर और नीचे, फिलहाल ये हम आपको रफ में बता रहे हैं, ये देखिए ऐसा कुछ ये स्क्वायर प्रिज्म रहेगा जिसके ऊपर और नीचे स्क्वायर बेस रहेगा और उसके जो फेसेस है वो रेक्टेंगुलर शेप के रहेंगे। ये देखिए ये है स्क्वायर प्रिज्म, हमें ऐसा स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करना है और हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। आइसोमेट्रिक व्यू यानी ही थ्री डायमेंशनल व्यू। और ये व्यू ड्रॉ करने के लिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर प्रिज्म का बेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर प्रिज्म का बेस क्या शेप का बनेगा, तो वो स्क्वायर शेप का बनेगा। तो चलो हम सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे 40 mm साइड का, देन आफ्टर आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हमने स्क्वायर का 40 mm साइड यहाँ पे एक 40 mm का लाइन ड्रॉ किया है। और अब यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए हम आगे का कंस्ट्रक्शन करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर जो है वो आप ये दोनों एंड पे रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये एंड पे हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखे, ये एंड पे भी रखे और ये हमने 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल ले रहे। और अब ये 90 डिग्री एंगल पे आपको क्या करना है, स्क्वायर का जो साइड है वो आपको शो करना है। स्क्वायर का साइड कितना है, 40 mm जो है वो हम स्क्वायर का साइड यहाँ पे शो कर लेंगे। उसके जो हाइट है वो भी 40 mm के ही रहेंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे 40x40 का इनडायरेक्टली एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ऊपर में हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फाइनली स्क्वायर बनके तैयार है। और अब ये स्क्वायर में हम नेमिंग दे देंगे। हमने सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ किए क्योंकि हमें सबसे पहले स्क्वायर का आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है। तो ये हम इसको नेमिंग दे देंगे, दैट इज ए बी सी एंड डी। नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इनडायरेक्टली स्क्वायर का हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल व्यू ड्रॉ कर लिए, इट मीन्स ये हमने ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ किए। और अब इसका यूज करके हमें थ्री डायमेंशनल व्यू ड्रॉ करना है, यानी ही आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करके रखे हैं। आइसोमेट्रिक एक्सिस जो है उसमें तीन टाइप की एक्सिस ड्रॉ करना होता है, एक है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस में हमने यहाँ पे फिलहाल दो ही टाइप के एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस और z एक्सिस। तो सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए और ये हमने दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं। इधर हमने बना दिए x एक्सिस और ये हमने बना दिए z एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस और z एक्सिस जो है दोनों ये 30-30 डिग्री से इंक्लाइन है। प्रोटेक्टर का यूज करके आप हॉरिजॉन्टल के साथ 30-30 डिग्री का एंगल लेंगे तो x एक्सिस और z एक्सिस बन जाएगा। और ये x एक्सिस और z एक्सिस हमने यहाँ पे दो बार ड्रॉ किया है। देखो ये हमने इधर में भी हम यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म के दो सॉल्यूशन ड्रॉ करने वाले हैं। दो सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे, इट मीन्स पहला जो हम स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ करेंगे वो विदाउट हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे और जो दूसरा सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे वो विथ हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम आपको दो सॉल्यूशन इसलिए बता रहे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया है। कुछ बुक्स में स्क्वायर प्रिज्म दिया है विदाउट हिडन लाइन, तो कुछ बुक्स में वही स्क्वायर प्रिज्म विथ हिडन लाइन दिया है। ठीक है, तो आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। तो हम आपको दोनों टाइप के सॉल्यूशंस यहां बता देंगे। यहां पे हम स्क्वायर प्रिज्म बनाएंगे विदाउट हिडन लाइन वाला और यहां पे जो स्क्वायर प्रिज्म बनाएंगे वो विथ हिडन लाइन वाला बनाएंगे। तो चलो यहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कहा कि हमें आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना है, तो ये हमने सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ कर लिया है और यहां पे सिर्फ दो एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां पे फिलहाल हमने वाई एक्सिस नहीं बनाया है, वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस अभी हम नहीं बनाएंगे, वाई एक्सिस हम आगे चल के बनाएंगे क्योंकि फिलहाल हम यहां पे बस एक्स और जेड एक्सिस का यूज करके स्क्वायर प्रिज्म का बेस पहले बना लेते हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म का बेस ड्रॉ करने के लिए ये जो स्क्वायर है हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ये स्क्वायर का जो लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर है वो सबसे पहले हमें यहां पे ग्राउंड में रखना है। ठीक है, क्या कहा, लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर, इसका मतलब ये जो एंड ए है ये आपको सबसे पहले यहां ग्राउंड में रखना है। तो ये हमने यहां ग्राउंड में रखेंगे, हम दोनों साइड के सॉल्यूशंस में हम ये शो करेंगे। ठीक है, और अब देखिए ए से बी,
ए से बी का लेंथ हम कंपास में ले लेंगे। तो ये हमने कंपास ले लिया है, कंपास में ए से बी का लेंथ हमने, ये देखिए, ये हमने ए से बी का लेंथ कंपास में ले लिए। जाहिर सी बात है ये एक स्क्वायर है, इसका मतलब इसके ऑल साइड सेम है, तो ए बी और ये जो हाइट है ए डी, ये लेंथ बिल्कुल सेम है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर का जो 40 mm का साइड है वो हमने कंपास में ले लिए। अब आपको क्या करना है, कंपास का जो सेंटर है वो आपको ये ए पॉइंट पे रखना है, ठीक है। और ए के राइट साइड में यहां पे बी है, तो ये देखिए ए के राइट साइड में, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर आपको इधर पॉइंट बी जो है वो आपको कट करना है। तो ये देखिए यहां पे आपको पॉइंट बी मिलेगा, और इसके लेफ्ट साइड में जो जेड एक्सिस है वहां पे आपको पॉइंट डी जो है वो आपको कट करना है। इसका मतलब ये जो हाइट का पॉइंट है वो आपको यहां पे कट करना है। तो हमने ये कट किए, और ये हम दोनों साइड में कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको जैसा कहा हम यहां पे दो टाइप के सॉल्यूशंस ड्रॉ कर रहे हैं। और अब हम इसको नेमिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो ये है एंड बी, यहां पे हमें एंड बी मिलने वाला है, और इधर हमें एंड डी मिलने वाला है इस तरह से। और अब हमें रिमेनिंग सॉल्यूशन में अब हमें पॉइंट सी जो है वो हमें मार्क करना है। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, और अब यहां पे पॉइंट सी आएगा। अब ये पॉइंट सी कैसे ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट सी पता करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप डायरेक्टली कंपास का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने बी और डी के पॉइंट्स मार्क किए हैं बिल्कुल उसी तरह से पॉइंट सी के भी पॉइंट जो है आप यहां पे क्रॉस सेक्शन के थ्रू आप यहां पे निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप रूलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करके आप ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस को अगर आप इस तरह से अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो जहां पे क्रॉस हो जाएगा वहां पे आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। अब ये किस तरह से ड्रॉ करना है वो चॉइस आपका है। फिलहाल हमारे पास इतने बड़े बोर्ड के लिए रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं है, तो हम इसको कंपास का यूज करके ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कंपास का यूज करके अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए ये हमने ए बी का लेंथ कंपास में ले लिए। कंपास का जो सेंटर है वो ये हम डी पॉइंट पे रखेंगे, और ये बीच में एक आर्क बना देंगे, और उतना ही लेंथ कंपास का सेंटर हम बी पॉइंट पे रखेंगे, और ये जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर कट कर लेंगे। तो ये हमें पॉइंट सी मिल गया। और अब अगर ये पॉइंट सी है तो हम इसको पॉइंट सी कहेंगे। ये देखिए हमने इसको पॉइंट सी कहा, और अब इसको बी और डी से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने स्क्वायर प्रिज्म का बेस जो है वो यहां पे ड्रॉ कर लिया है। और ये करेक्ट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो यहां पे इसको चेक करने का तरीका काफी आसान है। अगर आप यहां पे ए और सी को ज्वाइन कर लेंगे तो ए और सी जो है वो एग्जैक्टली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाए थे उसको एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आएगा। इट मीन्स ए और सी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। हमने आपको जैसा कहा था यहां पर हमने सिर्फ दो एक्सिस बनाए हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, हमने वाई एक्सिस नहीं बनाया है। तो अगर आप ए और सी को ज्वाइन कर देंगे तो वही हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये देखिए हम यहां पे इसको ज्वाइन भी कर लेंगे। देखो आपको ज्वाइन करके बताते हैं, ये हम यहां पे ए और सी को यहां पे ज्वाइन कर लिए, देखिए। और अगर आप इसको चेक करेंगे बाय यूजिंग प्रोटेक्टर तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड आता है, आना ही चाहिए। तो ही समझ लो कि आपने जो ड्रॉ किए हैं वो करेक्ट है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये सिर्फ स्क्वायर शेप में ही होता है। अगर आप पेंटागन या हेक्सागन ड्रॉ करने को जाएंगे तो उसमें ये सब नहीं होगा, ये सिर्फ स्क्वायर शेप के लिए होता है। नीचे का पॉइंट और ऊपर का पॉइंट हमेशा वर्टिकल दैट इज वाई एक्सिस के अलोंग आता है। तो ये हमने फाइनली स्क्वायर प्रिज्म का बेस, इट मींस स्क्वायर बेस यहां पे ड्रॉ कर लिया है 40 mm साइड का। और अब इसके बाद हमें इसका हाइट लेना है। स्क्वायर प्रिज्म का हाइट क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म का हाइट दिया था 60 mm। तो चलो यहां पर हम हाइट यहां पर शो करेंगे। अगर आपको हाइट शो करना है तो क्या करेंगे, ये जो नीचे का जो बेस के जो पॉइंट है ए बी सी डी, यहां से चारों से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस। और हम हाइट कितना लेंगे, हाइट लेंगे 60 mm का। तो चलो ये जो एसी हमने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल इसी को हम पैरेलल ऐसा सेट कर लेंगे स्केल, और सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों सॉल्यूशन में चारों कॉर्नर से जो बेस के चार कॉर्नर थे उनसे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। और अब हमें यहां पे 60 mm का हाइट शो करना है, तो उसके लिए आपको कंपास ले लेना है और कंपास में 60 mm का हाइट ले लेना है। तो ये हमने कंपास ले लिए है और कंपास में हाइट कितना लिया है 60 mm। और अब आपको क्या करना है, ये लेंथ आपको चारों ये जो लाइन्स ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर कट करना है। तो ये देखिए ए से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हमने किए थे, कंपास का सेंटर ए पे रखेंगे और ये हम उसके लाइन पे कट करेंगे। देन ये जो बी है, बी से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर हम ये कट करेंगे 60 mm का हाइट, और ये जो डी है उसके ऊपर भी रखेंगे, और ये जो सी है ये देखिए यहाँ पे भी हम रखेंगे, और सी से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर ये हमने कट करेंगे।
ठीक है, तो ये हमने कट किए हैं और इसको नेमिंग दे देंगे। इसको नेमिंग क्या देना है, तो इसको नेमिंग वही देंगे जो नीचे दिए थे, दैट इज ए बी सी डी। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम नेमिंग दे देंगे अगेन, दैट इज ए बी सी एंड डी। ठीक है, आप चाहे तो पी क्यू आर एस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बस हमें ये ए बी सी डी को ज्वाइन करना है, तो ऊपर का स्क्वायर बेस भी बन जाएगा और ये हम दोनों तरफ ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, जैसा हमने कहा था, हमने दोनों सॉल्यूशन में ए बी सी डी जो ऊपर हमें पॉइंट्स मिले थे उनको हमने ज्वाइन कर लिया है और ऊपर भी हमें स्क्वायर मिला है। ठीक है, और ये जो हमने स्क्वायर बनाया है ये डायरेक्टली अब डार्क पेन से बनाया है। आपको भी ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय पहले नीचे का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, देन ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ड्रॉ करते समय पहले आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि जो है जब आप ये सॉलिड को जब आप देखोगे तो ऊपर का बेस आपको पूरी तरह से दिखाई देगा, इसलिए ऊपर का बेस आपको पूरा डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है और फिर आपको वर्टिकल एजेस ड्रॉ करनी है डार्क पेंसिल से। देन आफ्टर नीचे का जो बेस है वो उसमें जितने एजेस दिखाई देंगे बस वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, जो एजेस नहीं दिखाई देंगे वो आपको ड्रॉ नहीं करना है, इट मीन्स वो आपको फेंट रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमने जैसा कहा था कि यहां पर हम आपको दो टाइप के सोल्यूशन बता रहे हैं, तो ये जो पहला सोल्यूशन बन रहा है ये विदाउट हिडन लाइन बन रहा है। विदाउट हिडन लाइन मतलब इसका मतलब यह है कि यहां पे जो एजेस दिखाई देंगे सिर्फ हम उसको डार्क पेन से यहां पे ड्रॉ करेंगे और जो एजेस दिखाई नहीं देंगे, जो एजेस छुपी हुई है वो एजेस को हिडन एजेस कहते हैं, वो एजेस हम यहां पे ड्रॉ नहीं करेंगे, उसको हम फेंट रहने देंगे। और यहां पे जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जो एजेस दिखाई देंगे हम उसको भी ड्रॉ करेंगे और जो एजेस दिखाई नहीं देंगे उसको भी ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब जो एजेस दिखाई नहीं देंगे वो हिडन एजेस कहलाएंगी, तो उसको हिडन लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे, इट मींस डॉटेड लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे। यहां पे जो हिडन लाइंस रहेंगी उसमें हमें ड्रॉ कुछ भी नहीं करना है, उसको फेंट ही रहने देना है, लेकिन यहां पे जो हिडन लाइंस रहेंगी उसको हमें डॉटेड लाइन के थ्रू शो करना है। बस ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। तो चलो यहां पे हम सबसे पहले वर्टिकल एजेस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो वर्टिकल एजेस अगर आपको ड्रॉ करना है तो इसमें क्या क्या एजेस दिखाई देंगी, तो यहां पर यह स्क्वायर प्रिज्म ड्रॉ हो रहा है, तो स्क्वायर प्रिज्म में चार वर्टिकल एजेस होती है। देखो ये पहली वर्टिकल एज, देन ये दूसरी वर्टिकल एज और ये तीसरी वर्टिकल एज। ये जो तीनों एजेस है ये बिल्कुल सामने है, तो ये तीनों वर्टिकल एजेस आपको दिखाई देंगी। और जो पीछे की जो वर्टिकल एज है इसका मतलब सी से सी, ये जो हमने पीछे की जो वर्टिकल एज ड्रॉ किया है जो पीछे में है बैक साइड में है वो आपको दिखाई नहीं देंगी, तो वो आपको यहां पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो आगे की जो वर्टिकल एजेस है वो बस यहां पे आपको ड्रॉ करना है। तो चलो ये हम पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, पहले सॉल्यूशन में हमने ये सामने की एजेस जो दिखाई दे रही है उसको हमने डार्क कर लिए हैं और जो पीछे की एज है ये देखिए, ये जो पीछे की एज है जो बैक साइड में वो हमने ड्रॉ नहीं किए हैं, उसको हमने फेंट ही रहने दिए। और अब दूसरे सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दूसरे सॉल्यूशन में भी हमें क्या करना है, जो फ्रंट एजेस है जो बिल्कुल सामने से आपको दिखाई दे रही है वो आपको यहां पर फिर से डार्क करना है। इसका मतलब ये एक एज, ये दूसरा एज और ये तीसरा एज, इसको हम फिर से बिल्कुल इसी तरह से पहले डार्क कर लेते हैं, फिर हम पीछे की एज ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये दूसरे सॉल्यूशन में भी हमने बिल्कुल वही किया है जो हमने पहले सॉल्यूशन में किए थे। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन बिल्कुल अब आपको सेम टू सेम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब इसमें डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। चलो अब इसमें डिफरेंस क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसा हमने कहा कि जो हिडन लाइन है, जो हिडन एज है, देखो सी से लेके सी, ये जो पीछे साइड की बैक साइड की जो वर्टिकल एज है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हमने इसमें वो फेंट रखना है, लेकिन यहां पर जो बैक साइड की जो एज है, पीछे की जो एज है वो हमने यहां पर ड्रॉ करना है। और वो जो हिडन एज है वो हम अब हिडन लाइन के थ्रू शो करेंगे, यानी डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। लेकिन जो डॉटेड लाइन के थ्रू शो करना है उसमें आपको उतना ही शो करना है जो आपको पार्ट दिखाई दे, जो पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा वो आपको शो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये जो सी से सी जो बैक साइड की जो एज है वो आपको दिखाई नहीं देंगी, तो ये पूरी की पूरी जो एज है वो हिडन लाइन के थ्रू शो करना है, यानी डॉटेड लाइन के थ्रू शो करना है, लेकिन पूरी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से लेके ए तक, देखो ये सी से लेके ये ए तक आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्रंट में ये डार्क लाइन आ चुकी है, लेकिन जो पीछे की जो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट रहेगा वो आपको डॉटेड लाइन के थ्रू शो करना है। तो ये देखिए, ये हम आपको पहले यहां शो करके बताते हैं, उससे आपका इमेजिनेशन पूरा आपको इमेजिन हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस तरह से है। ये देखिए, इस तरह से ये हमने बैक साइड की जो वर्टिकल एज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसको हमने डॉटेड लाइन के थ्रू यहां पे शो किया है। और ये हिडन लाइन सिर्फ आपको यहां से यहां तक ही शो करना है, ठीक है, आपको नीचे और शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे जो है वो डार्क लाइन आ चुकी है उसके सामने। तो फाइनली ये दोनों सोल्यूशन में हमने वर्टिकल एजेस पूरी तरह से ड्रॉ कर लिए हैं और अब बचा है नीचे का बेस। देखो नीचे का बेस अभी तक हमने यहां पर ड्रॉ नहीं किया है,
वो डार्कली क्या बनेगा, डॉटेडली क्या बनेगा, वो हम आपको बताएंगे। तो पहले सॉल्यूशन में हम पहले बेस बनाएंगे। तो पहले सॉल्यूशन में बेस के कौन से एजेस आपको दिखाई देंगे, जो एजेस दिखाई देंगे उसको आपको यहां पे डार्क लाइन के थ्रू शो करना है, और जो एजेस दिखाई नहीं देंगे इसका मतलब जो हिडन एजेस रहेंगे वो यहां पे फेंट ही रहने देना है, ठीक है। तो यहां पे जो बेस है उसमें ये जो फ्रंट के जो एजेस है इसका मतलब ए बी और ए डी बस आपको ये दिखाई देंगे। तो बस हम क्या करेंगे, ए बी और ए डी को यहां पे डार्क लाइन के थ्रू यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए आपको डार्क पेंसिल का यूज करना है। तो ये देखिए, ये हमने पहला एज बना दिए ए बी का, और ये हम अब दूसरा एज बना देंगे ए डी का। ये देखिए फाइनली ये पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो पीछे की जो एजेस है बेस की, देखो बेस की जो पीछे की एजेस है यानी सी डी और सी बी, ये दो एजेस जो है वो पीछे साइड में है, बैक साइड में है। तो जाहिर सी बात है हमने उसको फेंट रखना है। इसमें ये दोनों हिडन एजेस है तो इसको हिडन लाइन के थ्रू यहां पे शो नहीं करेंगे, हम उसको यहां पे शो करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने उसको फेंट रखा है। तो ये स्क्वायर प्रिज्म पूरी तरह से बनके तैयार है, इसका मतलब पहला सॉल्यूशन रेडी हो गया। लेकिन दूसरे सॉल्यूशन में ये हम आपको विथ हिडन लाइन यहां पर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एजेस नीचे की दिखाई देंगी बेस की वो हम यहां पर पहले शो कर लेते हैं। ये देखिए एडी जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो हमने उसको डार्क बना दिए। और ये जो ए बी है ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी यहां पे डार्क बना देंगे। देखो हमने इसको डार्क बना दिया, ये दोनों एजेस जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन जो पीछे साइड की जो बेस के एजेस है, ये देखिए ये जो बैक साइड की एजेस है वो हिडन एजेस है, वो बैक साइड में है, वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन हम यहां पे उसको डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन यानी ही हिडन लाइन, दोनों एजेस हम यहां पे डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे। तो ये देखिए फाइनली आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म ये पूरी तरह से बनके तैयार है, ठीक है। और ये हमने दो सॉल्यूशन के थ्रू आपको शो करके बताया है। पहला सॉल्यूशन है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म विदाउट हिडन लाइन, और दूसरा सॉल्यूशन है आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म विथ हिडन लाइन, ठीक है। ये दोनों सॉल्यूशन आपके सामने है। कुछ बुक्स में इस तरह का सॉल्यूशन दिया है तो कुछ बुक्स में इस तरह का सॉल्यूशन दिया है। अब आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड बता रहे हैं आपको एग्जाम में वही मेथड फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके कॉलेज में ये मेथड बता रहे हैं तो आप एग्जाम में भी ऐसा ड्रॉ करो। और ये ड्रॉ करते समय आपको डार्क और फेंट पेंसिल की तरफ आपको ध्यान देना है। यहां पे जो हमने ब्लैक कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो हमने रेड कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। और ये सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें ये जो डार्क लाइन है, जो कंटिन्यूस जो डार्क है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो डॉटेड लाइन है, देखो जो डॉटेड लाइन है, जो हिडन लाइन है, वो भी आपको डार्क पेंसिल से डॉटेड करना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने रेड कलर से रखा है, वो आपको फेंट पेंसिल से शो करना है, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय ध्यान में रखना है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन बनके तैयार है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों सॉल्यूशंस आपको अपने ड्राइंग बुक में जरूर ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।